मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है धनिया पत्ता। थायराइड की कोई भी बीमारी में सबसे अच्छी दवा धनिया पत्ता। धनिया पत्ते को चटनी बनाओ, गर्म पानी में मिला के पियो। थायराइड की 40-40 साल पुरानी बीमारी 25-30 दिन में ही ठीक कर देता धनिया पत्ता। थायराइड, जिनको थायराइड की तकलीफ है सबको आप बताओ धनिया पत्ते की चटनी गर्म पानी में पिए। चटनी कैसे बनाना, पीस लो पत्थर पे, मिक्सी में पीस लो, उसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डालना, धनिया पत्ता से। हाँ, और एक चम्मच चटनी आधा गिलास पानी, 2 चम्मच चटनी 1 गिलास पानी, इतना ही रोज पी लो सुबह खाली पेट। थायराइड की सारी बीमारी, हाइपर थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड से होने वाला मोटापा, ये सब मिटा देता धनिया पत्ता। ये सब अपने घर में है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं सब वही कह रहा हूं जो हजारों साल से अपने घर में होके आई, बस हमारे ध्यान में नहीं है क्योंकि हम डॉक्टर के चक्कर में फंसे। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी से नहीं दवाओं से बचो, बीमारी से नहीं ऑपरेशन आदि से बचो, और ये घर में जो दवाएं हैं इनका उपयोग जल्दी, ज्यादा से ज्यादा घरों में ये बात अगर पहुंच जाए तो 7 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए देश का बचे। ये है मेरी भावना, तो आप इस भावना का सम्मान करें और अपने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित करें, थोड़ा योग प्राणायाम करें, आधे घंटे सुबह प्राणायाम करें, आधे घंटे शाम, और ज्यादा नहीं कर सकते तो 2 प्राणायाम जरूर करें, कपालभाति अनुलोम विलोम। कपालभाति आप जानते हैं, जोर से सांस बाहर निकालना, और अनुलोम विलोम एक नाक से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना, दूसरे से लेना पर। तो ये अनुलोम विलोम कपालभाति 15-15 मिनट सुबह शाम करते रहें, जिंदगी भर निरोगी रहे, कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारा अभियान है, हर व्यक्ति सुखी हो, निरोगी हो, स्वस्थ, ताकि देश का पैसा बचे। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।